नमस्कार दोस्तों, मैं सुशील चौधरी खबर उत्तर प्रदेश में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज मेरे साथ हैं जो राम मंदिर के कार सेवक, जिन्होंने 12 दिन जेल में रह करके काटी थी, और हम उनसे जानेंगे कि बाबरी मस्जिद कैसे बनी थी और फिर बाबरी मस्जिद को कैसे ढाया गया था, वहां के संत क्या सोचते थे और वो क्या कहते थे। आपका शुभ नाम क्या है? निरंजन सिंह चौधरी। निरंजन सिंह चौधरी जी, मैं आपसे जानना चाहूँ कि आपने 12 दिन जो जेल में काटे थे वो किस लिए काटे थे? मंदिर के लिए जा रहे थे, कार के बाद के लिए जा रहे जी। तो कार के बाद के लिए तो यही मथुरा पे करता जी। तो आप अयोध्या कैसे पहुँचे थे? अयोध्या फिर दूसरी बार के कार के बाद हम अयोध्या गए। अच्छा, दूसरी बार में जो ये कहा था उन्हें गैर प्रतीकात्मक जो होगी कार के बाद कोई पूर्ण मामले में तो लोगों में जोश था वहाँ, और एकदम से आगे हुआ तोड़ने लगे लोग। हम पहुँचे नहीं थे जब तक, तो उसको तो एक पुलिस ने भी सहयोग किया। पुलिस लोग वाले गैस का हम क्या भैया अचानक को इसको नीचे से खंगालो पहले, इसको नीचे से और रस्ता बांध के डटे इसको गिरा दिया। तो उस समय बड़ा हंगामा हुआ। अभी कांग्रेस कहती है कि जो राम मंदिर का जो ताला था वो कांग्रेस ने खुलवाया था। नहीं खुलवाया कांग्रेस ने, मैं कहता हूँ बुढ़ा आदमी सत्ता करता था आदमी। ये एक वो थे महंत थे वहाँ के, उस राम जन्मभूमि न्यास के महंत थे। उन्होंने ये मैं आत्महत्या कर लूँगा नहीं खिलाफ तारीख में ताला नहीं खुला। अच्छा, तो एक जगमोहन सिंह मजिस्ट्रेट थे हैदराबाद, उन्होंने ताले को खुलवाया था उनके ने, वो आत्महत्या करने के लिए बैठे संत ने खुलवाया था, कांग्रेस ने नहीं खुलवाया। ये कांग्रेस झूठ बोल रही। जिस तरीके से लोग कहते हैं कि राम मंदिर पहले राम मंदिर था और उसके बाद बाबरी मस्जिद बनी, तो उसकी क्या रूपरेखा थी और किस तरीके से बनाया गया था? यहाँ पर प्राचीन काल में राजा चंद्रमा जी शरीर स्नान करने के लिए आए थे, उज्जैन के राजा थे, तो वो स्नान कर रहे थे, उनका घोड़ा बना हुआ था, तो वहाँ एक गौ आती है काम करने को, तो वो बोले हे माता मुझे ये बता राम का जन्म स्थान कौन सी जगह पर है। तो गौ ने कहा मेरे पीछे पीछे चलो राजा, तुम जहाँ मेरी एनर्जी में से दूध जहाँ पूरा झट जाए वो भगवान का गर्भ रहे, वो भगवान। तो वहीं महाराजा विक्रमादित्य ने 84 कसौटी के खम्भों पर एक भव्य मंदिर बनवाया था उसी जगह पर जहाँ राम का जन्म हुआ था उसी जगह पर। 1526 में बाबर ने आकर उसको तोड़वा दिया, 28 में बनवाया था। तो बाबर ने किस तरीके से तोड़वाया था मंदिर को, क्या प्लान था बाबर का और किस तरीके से उस पर कार्य हुआ था? ये इकला मंदिर नहीं, 20,000 मंदिर तोड़ के मुगल काल में मस्जिद बनी हुई है उनके ऊपर। हमारी सरकार 1961 में एक विधेयक लाई थी 1961 में कि हमें 3 दे दो, अयोध्या मथुरा काशी, तो लेकिन हमारे हिंदुओं ने नहीं उसको देने दिया, केवल हिंदू ही विरोधी थे पार्लियामेंट, ये 3 मांगी थी केवल और बाकी की रहने दो जो 20,000। क्या इनको जो हिंदू मतलब मथुरा काशी और अयोध्या इसके लिए हिंदुओं ने ही विरोध किया था? 61 में बिल आए थे कि हमको ये 3 दे दो, 1961 में एक बिल लोकसभा में, तो पास नहीं होने दिया। उसका रीजन क्या था, उसका कारण क्या रहा कि पास नहीं होने दिया? इसलिए पास नहीं होने, खिलाफ करते थे मथुरा सब लोग, हिंदू खिलाफ करने लगे उसमें लोकसभा में जो हिंदू सांसद थे। तो जैसे बाबरी मस्जिद किस तरीके से बनवाई थी, सुनने में आता है कि बाबरी मस्जिद जब बना रहे थे राम मंदिर को तोड़ने के बाद तो वो दिन में बनती थी रात को ढह जाती थी, उसका क्या रीज़न था? तो ये था कोई उसने कहा मीर बाकी जो उनका सुबहदार था बाबर का, यहाँ से उन्होंने दिल्ली के लिए सूचना भेजी कि भाई यहाँ कोई ऐसा देवता है हिंदुओं का जो हम दिन में बनाते हैं रात को गिरी हुई पाती है, तो दिल्ली वहाँ से अयोध्या छोड़ दो, दिल्ली आ जाओ मत छेड़ो। तब यहीं के 2 हिंदू पुजारियों ने उनको मंत्र बताया कि पहले इस मस्जिद के सामने
सीता पाक बनवाओ, इसके पीछे मैजिक बन सकती है, हनुमान जी बनने नहीं देंगे मंदिर, उसको बैठा तो हनुमान जी तोड़ देते उस दीवार को। हनुमान जी तोड़ देते राम मंदिर और बाबरी मस्जिद का एक बहुत पुराना एक इतिहास भी रहा है और बहुत लंबे समय से इस पर विवाद चल रहा है। तो जिस समय बाबरी मस्जिद को ढाया गया था उस समय आप जेल में भी गए थे, तो आपने वहाँ पर कैसे ऐसी ऐसी क्या मेन चीज़ें देखी जो एक्चुअल में होनी चाहिए थी या नहीं होनी चाहिए थी? हमने तो ये देखा साहब, अकस्मात सब लोग को ले देखे, आज ढांचा तोड़ दो, आज पुलिस वाले भी एक वो थे जब यहाँ के वहाँ के SSP, उन्होंने कहा हम भी हिंदू हैं भाई, तुम लोग सहयोग करो, इसको तोड़ो, तो इसको नीचे से तोड़ो, उसमें राइफल की गोली दागी गई, उसका जो प्लास्टर था चूना का वो उठाया, रस्ता बांध के इस तरह से गिरा दिया सब लोग, एक लड़का भी शहीद हो गया था उसमें जी। हाँ उस समय तो जैसे कार सेवक थे, सुनने में आया है कि हर दिन अलग अलग स्टेट, जैसे कभी हरियाणा है, कभी राजस्थान है, कभी पंजाब है, कभी आंध्र प्रदेश है, कभी तमिलनाडु है, हाँ, तो किस तरीके से जा रहे थे और किस तरीके से उसको मूर्त रूप दिया गया, जैसे ढांचे को तोड़ा गया, तो उस समय उस दिन कौन सा राज्य वहाँ पे कार सेवा? आंध्र के थे, आंध्र के लोगों ने तोड़ा, आंध्र प्रदेश के उन्होंने इसको उठाया तोड़ दिया। उसके दूसरे बाद UP का नंबर था, फिर नंबर आया ही नहीं UP का, उसको ध्वस्त कर दिया। तो आप गए थे उस दिन UP में जब? हाँ गए थे उनके साथ। तो उस समय आपने क्या किया? केवल वहाँ एक दिन जेल करेंगे एक दिन, उसके बाद हमको अपनी बसों में सरकार ने वापस भेज दिया लखनऊ बिना किराए वापस भेज दिया। तो अभी आपकी क्या इच्छा है? मंदिर बनना चाहिए, हिंदुओं की आस्था है, इससे बड़ा और हिंदू मतलब देखो कितना बड़ा हिंदू का समूह है, मंदिर बनना चाहिए, अवश्य बनना चाहिए मंदिर। जैसे BJP की सरकार है, राज्य में भी है और केंद्र में भी है, तो उनके संकल्प पत्र में भी राम मंदिर रहता है, तो क्या बना पाएंगे राम मंदिर? देखो ये तो मतलब ऐसा फैसला है, ये बनाएंगे तो बनाएंगे ही। अच्छा, राम मंदिर बना करके मानेंगे? मानेंगे, बना करके मानेंगे। तो मैं ये बात बताइए कि जैसे सुप्रीम कोर्ट में भी ये केस चल रहा है और उसके साथ साथ ये कह रहे हैं कि अध्यादेश लेकर के आएंगे, तो उस पर क्या कहेंगे आप? अध्यादेश तो नहीं लेकर आएंगे, अब टाइम कम है, ये तो कोर्ट से ही फैसला। जैसे 4 जनवरी को सुनवाई होनी है सुप्रीम कोर्ट में, आज पेपर में दिया है, तो क्या कहेंगे उसमें कि 4 जनवरी से लेके 2-4 दिन में फैसला आएगा कुछ? फैसला आ जाएगा, तुरंत मंदिर शुरू हो जाएगा, मतलब पूरा पत्थर मैंने आंखों से देखा है, बिल्कुल कंप्लीट रखा है, मशीन जोड़ने का काम करेंगे, चंद दिनों में मंदिर बन के तैयार हो जाएगा। कितना मान के चले, महीने भर में बन के तैयार हो जाएगा? महीने भर में बन के तैयार, इस तरीके का प्लान है? हाँ इस तरह का प्लान, तो जल्दी और महीने भर से पहले। जी जी, तो अभी जैसे कि राम मंदिर का मुद्दा अभी शीतकालीन सत्र चल ही रहा है, हाँ जी, 4 जनवरी से सुप्रीम कोर्ट उसकी सुनवाई करेगा, हाँ। अगर सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा से कह दिया कि बैठ करके इस मुद्दे को सुलझा लिया जाए, तो फिर क्या करेंगे? बैठ करके सुलझाया जाए फिर तो साहब मतलब यह संघर्ष हो जाए, हिंदू का जो सब्र का बांध है वो टूट जाएगा। क्या फिर जिस तरीके से राम मंदिर मतलब बाबरी मंदिर को बाबरी को ढांचे को तोड़ा गया था, क्या वही वही कल्पना हो सकती है? जनता जा करके शुरू कर सकती है, मैं अपना विचार रखता हूँ, हम लोग भी जाएंगे उस समय, जनता जाएगी तो हम लोग भी जाएंगे। तो आप तो एक जनता के ऊपर, जनता बालिक होती है, तो आप तो आप पत्थर उठाने लायक है नहीं, तो क्या? अरे पत्थर छोटे छोटे काम तो ईंट गारा है, ऐसी चीज तो करते ही रहेंगे हम, पर क्या सेवा तो भगवान की जैसी सेवा है। जब पुल का निर्माण हुआ तो समुद्र के कई एक वो थी गिलहरी, वो मतलब पानी में लुढ़के आ गई समुद्र में, और बाद में लुढ़के बाद उस दर्जन में भर रही, तो हनुमान जी ने उस पर पैर रख दिया, उसकी पूछ टूट गई, तो भगवान ने श्राप दे दिया था हनुमान जी को, तो मैं भी एक दिन अनिष्ट झेलना पड़ेगा, मेरे भक्त का अपमान किया। तो सेवा है, जैसी बन जाए सेवा,
छोटी हो बड़ी हो सेवा करने का काम है। तो जैसे कि मैं देख रहा हूँ कि आप बुजुर्ग तो हो गए हैं, मेरे ख्याल से आपकी 75 साल के आसपास उम्र होगी, तो आप क्या चाहते हैं कि राम मंदिर के दर्शन करके आए और उसमें फूल माला चढ़ा करके आए? 10-12, 8-7 बार दर्शन किए, प्लेट लगी हुई है, 7 गैलरी है पाइप की, उन गैलरी में होके ऐसे ऐसे जाते हैं, 7 ही गैलरी पे एक इतना बड़ा स्टेज है, उस पर प्लेट है, 20 फुट की दूरी से दर्शन कर होते हैं, 20 फुट की दूरी जी। और दूसरे फैजाबाद जो रोड है उस पर निकाल देते हैं ऐसे क्रम से। तो क्या चाहते हैं कि आप भव्य राम मंदिर के दर्शन कर पाएं? हाँ, हम चाहते हैं कि इसी उम्र में जो है भगवान राम का मंदिर, मेरे पास प्रस्तावना का वो चित्र रखा है, जो चित्र बनाया गया ऐसा मंदिर बनाएंगे, मेरे पास है। मतलब आपकी दिली तमन्ना है कि भव्य राम मंदिर बने? दिली तमन्ना है जी, दिली तमन्ना है भाई। इससे बड़ा और क्या है, हिंदू का सबसे बड़ा आस्था केंद्र है जहाँ जन्मभूमि, जहाँ राम ने जन्म लिया, तो वहाँ मंदिर नहीं तो और क्या बनेगा। तो मतलब अभी मैं देख रहा हूँ कि अभी जैसे भाजपा है, अन्य विरोधी दल हैं और बाकी गठबंधन और महागठबंधन बनने की होड़ में हैं, इधर किसानों के कर्ज माफ़ी के लिए लोगों को लुभाया जा रहा है, इंडिया 60% माना जाए तो कृषि भूमि देश पर निर्भर करती है, तो क्या अगली बार अगर 1% भाजपा नहीं आई तो क्या राम मंदिर बन पाएगा फिर से? मंदिर नहीं बन पाएगा, मंदिर नहीं बन पाएगा, लोगों को इतना तो उठाना पड़ेगा, मुस्लिम साम्राज्य हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं आपको जैसे जिस तरीके से नसरुद्दीन शाह को डर लग रहा है अभी, हाँ, उस तरह से हिंदुओं को भी डर लगने लगेगा? हाँ जी, डर लगने लगेगा, ऐसा शासन प्रशासन करेंगे ये विपक्षी, ये गठबंधन चलेगा ही नहीं। मैंने अपनी उम्र में 4-5 गठबंधन देखे, देवगौड़ा बगैर आइए 5 साल बने से जी। एक बार और चौधरी चरण सिंह का ठोस गठबंधन जनता दल बना था, हाँ, और वो बीच में ही टूट गया, बुराड़ी साहब तो बीच में टूट, ये कभी नहीं चलेगा, कभी गठबंधन नहीं संभलो। तो अभी गठबंधन चले या ना चले, पहली उनकी मांग है कि मोदी रोको गठबंधन बनाओ, नहीं बनेगा गठबंधन, नहीं बन पाएगा। नहीं, अभी अगर मान के चले गठबंधन बन जाता है और मोदी को रोक दिया जाता है तो राम मंदिर? मैं कहता हूँ अपने दिल से मोदी जी ही आएंगे केंद्र में जी, मैं कहता हूँ मोदी जी आएंगे राजस्थान से, वहाँ से कांग्रेस से ज़्यादा सीट लेके आएंगे, एमपी में बता रहा हूँ। बनना चाहिए राम मंदिर, नहीं बनेगा तो वहाँ का बनेगा? अगर नहीं बना तो हमारे हिंदू समझते नहीं है, मंदिर तो एक हमारा ऐसे प्रतीक है जो आस्था का केंद्र है, जो हमारी अंतरात्मा से जुड़ा हुआ है, हम भगवान राम का सूर्य से जन्म रहा, हम कब से हिंदुओं को पूछे हमको, जब से सूर्य ने जन्म लिया तब से हम हिंदू हैं, सूर्य का जन्म हुआ तो सूर्यवंशी थे राम, अब ऐसे सूर्यवंशी परमात्मा का जब मंदिर नहीं बने तो उस देश में क्या है, मंदिर बनना चाहिए। जिस टाइम पे बाबरी मस्जिद तोड़ी गई थी तो हिंदुओं में कैसा उत्साह था? भारी था। और जैसे कि इतने मीडिया वालों के कम से कम 1.5 करोड़ के उपकरण तोड़ दिए थे, और जो लाइन थी वो टेलीफोन वगैरह सब काट दिए जब मेरे को तोड़ा, जिससे कि कोई चीज़ वायरल ना हो। बाल जब एक वो था मार्ग टैली, विदेशी पत्रकार, उसके पीछे भगे थे उसको मारने के लिए लोग, तो ऐसे छुप छुके गलियों में, किसी घर में छुप गया तो वो हाथ नहीं आता, वो भाग गया निकल, उसने फोटो ले लिया था उसको तोड़ते हुए का। तोड़ते हुए, अच्छा। तो जो अगर देखा जाए कि जो फोटो देखते हैं तोड़ते हुए का, हाँ, तो उसी के माध्यम से आए हुए फोटो हैं, हाँ, क्यों? उसपे तो 2-4 लोग तोड़ के कुदालों से उसमें ऐसे तोड़ गए के नहीं, उसको नीचे से खलाइए, ऐसे नहीं टूटेंगे, बहुत टाइम लगेगा, इसकी जड़ खलाइए और रस्ता बांधो, गिरा दो इस तरह से तोड़िए। अच्छा, हाँ, जड़ खड़ा के उदारों के और रास्ता बांध लोग रखने दिया था, लगा दिया था। तो कुल मिलाकर के प्रशासन भी आपके साथ था? प्रशासन हमारे साथ, दुपका चुपकी प्रशासन हमारे साथ था, सारे पुलिस वाले सैनिक भी हमारे साथ थे, अंतर्भावना थे, अंतर्भावना से, हाँ, क्योंकि वो हिंदू थे, हिंदू थे। तो जिस तरीके से सुनने में आया था, एक बार सबसे बड़ा मुद्दा सुनने में आया था उस समय कि जिस टाइम पे बाबरी मस्जिद तोड़ी गई थी और टूट गई थी,
तो उसके बाद लालकृष्ण आडवाणी जी ने बोला था, अरे ये क्या कर दिया गया, अब तो हमारे पास मुद्दा भी नहीं रहेगा चुनाव लड़ने का। नहीं, ये नहीं कहा था, ये तो बनाते बाद में बनाए, ये तो रो रहे थे वो तो बैठे बैठे, आंखों में आंसू थे उनकी। आंखों में आंसू क्यों थे, कारण क्या था? वो जाने दी अकस्मात ये क्या हो गया, अकस्मात ऐसा क्या हो गया ये? मतलब इन लोगों को ये इनकी उम्मीद नहीं थी कि बाबरी ढांचे को तोड़ दिया जाए। तोड़ दिया गया, इन बड़े नेता को मालूम नहीं। अच्छा, किसी को नहीं पता था? किसी को नहीं पता, ये तो जनता का काम था, जनता ने किया। जब कब्र का बांध टूट गया तो जनता ने एकदम से धाबा बोल दिया कि तुम्हारा घटा हम करेंगे इसको पूरा निर्णय। तो इनकी कभी इनकी कल्पना नहीं थी कि हम ढांचे को तोड़ें? नहीं, कभी कल्पना नहीं। तो फिर उसके साथ साथ उनका रोने का रीज़न क्या रहा था? रोने का रीज़न आप अब अंदाजा लगा लिए, जब उनको दुख हुआ था कि ये एक अकस्मात क्या कर जाए, कोई हमारे ऊपर बात ऐसी ना आ जाए जिससे हम बदनाम हों, इसलिए। अच्छा, ये रितम्बरा लड़की और जो उमा भारती दोनों आपस में खिलखिला के हंस रही थी, उसमें डांटा टूटा था। तो इनकी पब्लिक कुछ पब्लिक कुछ हो रही थी, इनको उम्मीद जगी के चलो कम से कम बाबरी मस्जिद को तोड़ा गया। छोटा मतलब मंदिर है वहाँ, छोटा 5 फुट की दीवार है, त्रिपाल पड़ी हुई है, भगवान बाल के रूप में भगवान है, मुट्ठी में लड्डू है, पीला जमुना पहने, बड़े बहुत सुंदर प्रतिमा। तो अभी सभी लोगों की यही आस्था है कि एक मंदिर बने, भव्य मंदिर बने, उसमें जाकर के हम राम के दर्शन करें, तो क्या संभव है भारत जैसे देश में? संभव है, राजनेता कर पाएंगे ऐसा? हाँ, कर पाएंगे, ये दोनों ये पार्टी कर पाएंगे। जैसे जैसे कि इधर बीजेपी भी है, इधर कांग्रेस भी है, भगवान तो देखा जाए सभी सभी हिंदुओं का है, सभी हिंदुओं का। तो उधर कपिल सिब्बल उसमें केस में लड़ते हैं, कहते हैं सुप्रीम कोर्ट में कि इसकी सुनवाई 2019 के बाद होनी चाहिए, राम के खिलाफ वो केस लड़ रहे हैं, वो भी तो हिंदू के बेटे हैं। वो तो हिंदू के बेटे थे, पर क्या उनका राम नहीं है? उनका वो राम को मानते थे, ऐसे करते नास्तिक हैं वो, तो नास्तिक लोग हैं। अरे उनकी भावना भी होता है, भावना तो अपने आप को मरती है ना अंदर से। तो कांग्रेस के अंदर भी मेरे हिसाब से बहुत सारे ऐसे हिंदू नेता हैं और सपोर्टर्स भी बहुत सारे हैं, वो कभी अपने दिल से ये नहीं कहते हैं कि राम मंदिर बनना चाहिए? कभी नहीं कहते, छुपा के रखते हैं, अपना अलग एजेंडा होता है। तो क्या उस एजेंडे को फेल कर पाएगी भाजपा? हाँ, फेल हो जाएगा। राम का मंदिर बनेगा, बनेगा अवश्य बनेगा। अब कुछ लोग जो भाजपा को सपोर्ट करते हैं, भाजपा के कह सकते हैं वॉलंटियर हैं, जो कार्यकर्ता हैं भाजपा के, वो कहते हैं पहले राम फिर सरकार। खैर ऐसा तो नहीं, समय पर ही कोई चीज़ जो होती है समय पर आके काम बनती, समय पर ही बनता नहीं। कम से कम भाजपा 2019 के इलेक्शन से पहले शिलान्यास तो कर पाए? शिलान्यास तो हाँ, मतलब नींव खुदवाई थी राजीव गांधी ने, जब ताला टूटा था नींव राजीव गांधी ने खुदवाई थी, लेकिन उसको बंद कर दिया था कांग्रेस ने। अच्छा, नींव को निर्माण शुरू नहीं हुआ वहाँ। तो कुल मिला सिंह ने वहाँ 10-12 गिट्टी ट्रक की और सीमेंट मिला करके चबूतरा को बनवा दिया। अच्छा, जिस तरीके से राजीव गांधी ने उसकी जो नींव खुदवाई थी, तो वो किस लिए खुदवाई थी? मंदिर निर्माण के लिए। मंदिर फिर रोका क्यों गया था? रोक दिया कांग्रेस ने, बहुत दिन रोक दिया ने आपने। अच्छा, नहीं तो मुसलमानों के कहने से रोक दिया। अच्छा, मतलब राजीव गांधी भी कहीं ना कहीं मुस्लिम उससे दबे हुए थे। दबे हुए। तो अब क्या उम्मीद लेके हिंदू सोए और क्या उम्मीद लेके जगे? भाई 2018 में सोएगा, 2019 में किस उम्मीद से जगे? इसी उम्मीद से जगे कि मंदिर बनेगा। तो आप एक किसान हैं, किसान की भावना ये है कि मंदिर बने बने, और आप 12 दिन की जेल यात्रा भी करके आ चुके हैं। मथुरा काटी थी, कार सेवक के 22 आदमी थे हम, 22 लोग थे। तो 22 के 22 लोग यहाँ से अयोध्या जा रहे थे, तो आपको मथुरा पकड़ लिया, मथुरा पकड़ लिया। फिर दोबारा दूसरे दौरान में आप जब गए तो आपने देखा तो वहाँ पर मस्जिद टूटी हुई मिली, टूटी। फिर उस समय आपको कैसा लगा था, कैसा दिल से कैसी भैया भवन आ रही थी? मैं रात कट गई, मंदिर बन गए, छोटो तो भैया बड़ा कम विशाल बने वो जब बन जाएगा, पर छोटा मंदिर पूजा अर्चना होती है, बहुत बड़ी एक जीत थी।
पहले कार्तिवा में जब झंडा गाड़ा था इस पे कार्तिको ने, एक लड़का था वहाँ का शुक्ला कानपुर का, उसने झंडा गाड़ा था 15-20 साल का लड़का था। तो मिलाप सिंह ने कहा इसमें गोली मार दो, सेना ने कहा हम गोली नहीं मारे, हम गोली नहीं मारे। तो उसने मुलायम सिंह ने इस मूर्ति को एक बार हटाने का प्रयास किया था, मैं सब बातें चल रही थी जनता में, तो सेना ने सीधी गोली ऊपर उठा रखी ऊपर, जिसका हम इससे हाथ नहीं लगाने देंगे, जैसा इसलिए सेना भी मदद के लिए सही है, काम हटाने नहीं देंगे हम। तो सुनने में तो ऐसा भी आता है कि मुलायम सिंह ने कार सेवकों पर गोलियां चलवाई, चलवाई थी, बहुत मरे थे दिगंबर कार्यवाही के लिए, बहुत लोग मरे। अच्छा, कुछ तो ये कह रहे थे पुलिस से पकड़े, हमने गोली मारो, हमने गोली मारो, नहीं अब नहीं मारेंगे, बहुत अच्छा होगा पुलिस वाले के लिए। अच्छा, बहुत अच्छा, अब नहीं पकड़ पड़े, कह रहे थे हमने गोली मारो। दो लड़के थे कलकत्ता के कोठारी बंधु वगैरह, उनकी बहन की शादी थी, वो दोनों मारे गए थे। अच्छा, हाँ कोठारी बंधु कलकत्ता। तो हमारे साथ ये हैं निरंजन मुखिया जी, और इन्होंने राम मंदिर के लिए जंग भी लड़ी है, और ये लोग जिस समय बाबरी ढांचा तोड़ा गया था उस समय इन्होंने कार सेवा के रूप में यात्राएं भी की, और इन्होंने 12 दिन 22 लोगों के साथ मथुरा में जेल के अंदर गुजारी हैं। साथ ही साथ इन्होंने जिस समय दोबारा जब कार सेवा की यात्रा हुई मथुरा की यूपी की तरफ से, तो ये लोग जिस दिन पहुंचे थे उससे एक दिन पहले आंध्र प्रदेश के लोगों ने बाबरी मस्जिद को, बाबरी के ढांचे को ढा दिया गया था। देखते हैं राम मंदिर अब 2019 के इलेक्शन से पहले बनता है या बाद में बनता है। जैसे कि अभी 4 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट में अब उसकी सुनवाई होगी, तो देखते हैं इलेक्शन से पहले मंदिर बनता है या बाद में, और सुप्रीम कोर्ट उस पर क्या फैसला देता है। राम मंदिर हिंदुओं की आस्था का प्रतीक, जिस तरीके से त्रिपाल में या एक पांडाल में रामलला की मूर्ति है वो ऐसे की ऐसे ही रहेगी, या मंदिर भव्य राम मंदिर निर्माण होगा। जय हिंद, जय भारत।